All right, welcome back to my channel, Indian Echo Boy, back with a new video. So guys, it's kind of one of the dream video which I'm making right now. जैसे कि पहले बताया था सैयद भाई से कि he was planning a reptile shop separately and trust me, it's heaven for all the reptile lovers. तो time को waste नहीं करता हूँ, जल्दी से सैयद भाई से मिलते हैं और इस video को start करते हैं. और आप setup और यहाँ के creatures से you are going to get in love with them. So not wasting a time further, let's get started. तो सैयद भाई, finally आप बैठे हैं एक हमारे reptile shop में. So over to you, बताएं इसके बारे में. तो भाई थैंक यू, बहुत लोग मुझे गर्व महसूस करा रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए. और पहली बात तो मैं ये बता दूं, काफी लोग जो है इसमें डिस्टर्ब है कि एग्जॉटिक रेप्टाइल पेट शॉप जो है पहली बार इंडिया में खुला है. तो काफी लोग मुझे फोन भी कर रहे थे क्योंकि मैं अदर चैनल पे भी वीडियो पोस्ट किया हूँ, तो काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि उसमें लीगल क्या है, इलीगल क्या है. तो उस वीडियो में भी मैं बता के हूँ और अभी भी मैं बता रहा हूँ. देखिए, ऑलमोस्ट मेरे पास सभी एनिमल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं. जैसे कि आप ये देख लीजिए, बियर्डेड ड्रैगन का है और ये हो गया आपका हॉगनोस पाइथन का है, मिल्क स्नेक का है, राइनो इग्वाना हो गया आपका, ब्लड पाइथन हो गया, मिल्क स्नेक हो गया, इग्वानास हो गया, बॉल पाइथन्स हो गया, एग्जॉटिक बॉल पाइथन हो गया, अल्डब्रा हो गया, सलकट्टा हो गया, माटा माटा टर्टल हो गया आपका, ब्लैक एंड व्हाइट टेगू है और इम्पेरियर टैमरिन, वही जो मॉनिटर्स है मेरे पास. तो वो सब मॉनिटर्स के जो है मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और 100% लीगल है. काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि लीगल कौन सा है, इलीगल कौन सा है, क्योंकि मॉनिटर्स में ज्यादातर हमारे इंडियन मॉनिटर लिजर्ड्स आते हैं जो इलीगल है और उसपे 100% बैंड है. शेड्यूल 4 उसपे लगाया गया है. अगर आप उसको पाल रहे हैं या फिर उसको कुछ हार्म कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट आपको जेल करेगी कम से कम 5 साल के लिए. तो उसके लिए 100% जेल है. तो इंडियन एनिमल्स पे आप हाथ मत डालिए ताकि आपको जेल ना हो और उससे आपके घर वालों को प्रॉब्लम ना हो. अगर आप प्रॉपर हॉबी करना चाहते हैं तो विद डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं. आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे पास एनिमल मिल जाएंगे और जितने भी मैं अभी एनिमल्स दे रहा हूं उसका आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. इवन आप अगर जैसे नॉर्मल समझेंगे तो इगुआना को ही हम लोग नॉर्मल समझते हैं, जैसे कि फिशेस में हम लोग गोल्ड फिश को और मूली फिश को कॉमन फिश समझते हैं, ऐसे एग्जॉटिक में आपको हो गया इगुआना जो सब में कम चीपेस्ट प्राइस में आता है और ज्यादातर वही सेल होता है. तो उन सब चीजों को भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा क्योंकि इगुआना भी एग्जॉटिक भी है. तो ऐसे मेरे पास अभी काफी सारे एनिमल्स हैं, तो वो पहले मैं आपको बता दूंगा विद द प्राइस, क्योंकि ये वीडियो में आपको विद द प्राइस दिखेगा, अगले वीडियो से आपको प्राइस के साथ नहीं दिखेगा. अगर आपको प्राइस जानना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है तो उस पे भी हमारे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ज्यादा बोलने से आप ज्यादा देखने पसंद करेंगे, मुझे पता है. तो पहले तो आप मेरे जो रेप्टाइल्स है वो आप देख सकते हैं. पहले आप इधर का जो है ब्लड पाइथन देख सकते हैं. ये ब्लड पाइथन है, ये एक्चुअली बिलोंग करता है मलेशिया से और इंडोनेशिया से. ये सिर्फ दो ही जंगल में मिलता है, मलेशिया और इंडोनेशिया. भाई आई गेस अभी तक आपकी कलेक्शन में सबसे बड़ा मैंने यही देखा है अभी. नहीं नहीं, मेरे पास काफी सारे अभी. पिछली बार मेरे पास ग्रीन अनाकोंडा आया था, वो ऑलमोस्ट 17 फीट था. ओके, ग्रीन अनाकोंडा और येलो अनाकोंडा, ऐसे अनाकोंडास में भी आते हैं. और अनाकोंडा काफी सारे लोग समझते हैं बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होता. जो लार्ज स्पीशी है, जो वर्ल्ड बिगेस्ट स्पीशी आप बोल सकते हैं, वो है रेटिकुलेटेड, सेकेंड है बर्मीज पाइथन, थर्ड है अनाकोंडा. तो ये तो ब्लड पाइथन ही ऑलमोस्ट आपको 6 या 7 फीट तक ही होगा, लेकिन काफी अच्छा मोटा हो जाएगा. Okay. जैसे अनाकोंडा होता है वैसे ही मोटा हो जाएगा, लेकिन साइज में या लेंथ में कम आएगा. Okay. तो ये हो गया आपका. भाई एक जस्ट शॉर्ट आउट की आपने इस बारी इनक्लोजर बहुत क्लासिक बनाए हैं, उनकी फिनिश बहुत प्यारी लग रही है और बहुत सेक्सी पूरा सेटअप है. सो काफी मेहनत लगी है इसमें भी, दिख रहा है मतलब दिमाग भगाते कंफ्यूजन बहुत हो जाता था. बहुत क्लासिक सेटअप है और फिनिश और आपकी मेहनत यहाँ पर दिख रही है. ठीक है भाई, नेक्स्ट कौन सा है? और मेरे पास अभी आप इधर देख सकते हैं जो राइनो इगुआना बोलते हैं. हाँ जी, ये है राइनो इगुआना, प्रॉपर पेयर है मेल फीमेल का. और ये काफी एक्सपेंसिव आता है क्योंकि राइनो इगुआना इतना कॉमनली नहीं मिलता है, काफी एक्सपेंसिव आता है. Okay. तो ये आपका राइनो इगुआना 7 लाख रुपीस पेयर है. ओके,
और ये अभी अडल्ट पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है, जिसको आप ब्रीड भी कर सकते हो। तो ये ऐसा पेयर है और इधर आप देख सकते हैं कॉटेज कलेक्शन में मेरे पास काफी ब्यूटीफुल कलेक्शन है। ये आप देख सकते हैं पाम साइज का सलकटा टॉर्टाइज है। इसको ज्यादातर लेना पब्लिक पसंद करती है बिकॉज छोटा होने से मोर्टेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा रहती है, क्योंकि कभी भी मर सकता है। तो ये साइज में मरने का 100% चांस ही नहीं रहता, तो ये साइज ज्यादा प्रिफेर करते हैं आप। इसका वेट भी देख सकते हैं, काफी हेल्दी है और इसके आइस वगैरह भी देख सकते हैं, काफी प्यारा लग रहा है। इसका प्राइस है 50,000 rupees ईच पीस और ये भी हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर देते हैं। और मैं आपको दूसरा बताऊंगा मोस्ट एक्सपेंसिव टॉर्टाइस, जिसको अल्डाब्रा बोलते हैं। ओके, इस पे हम लोग ने पहले भी वीडियो बना के डाला हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट, राइट? सेकंड लार्जेस्ट टॉर्टाइस है अल्डाब्रा टॉर्टाइस। तो ये भी काफी ब्यूटीफुल साइज है और साइज भी इसका काफी अच्छा है। और अगर आप प्राइस कंपेरिजन करेंगे तो जब लास्ट प्राइस था वही प्राइस है, 5,50,000 ईच पीस। काफी ब्यूटीफुल है और हम लोग इसको मजूरी दे रहे हैं। इधर आप वेजिटेबल्स देख सकते हैं, इसका प्रॉपर हमने सेटअप बनाया हुआ है फूड के लिए। सेटअप बहुत प्यारा है भाई, बिकॉज ये आपने इनको क्या बोलते हैं, ये बेडिंग किसकी है? सब्सक्रेट है, इसको एनिमल को डिहाइड्रेट होने से ये बचाता है। okay. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये ज्यादा मतलब ड्राई हो गया तो इसमें हम लोग पानी मिला के थोड़ा ऐड करके इसको डिहाइड्रेट होने से एनिमल को बचा सकते हैं। okay. क्योंकि एनिमल तो मुंह नहीं जानवर है, उसको मुंह नहीं है पूछने के लिए, अगर उसको पानी चाहिए तो हमें कॉल नहीं करेगा या फिर बताएगा नहीं। इसका हम प्रॉपर सेटअप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा। आप इधर देख सकते हैं काफी अच्छी गर्मी आ रही है इधर पे, तो टॉर्टाइस पूरे इधर बैठे हुए हैं ताकि इनको अच्छी गर्मी मिल सके। करेक्ट, ये ऊपर पूरा, हाँ, यूवी भी लाइट लगाया हुआ है, यूवी बी है, यूवी बी भी, इसमें कम से कम 4 लाइट मैंने लगाए हुए हैं ताकि ये प्रॉपर हेल्दी सेटअप में रहे। और ये आप देख सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉर्टाइस ऑन अर्थ बोलते हैं इसको, क्योंकि काफी अच्छा साइज में आता है और ये काफी जल्दी ब्रीड होते हैं, रेड फुट टॉर्टाइस। और इनका एक ये भी एडवांटेज है, जो अगर मतलब ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते तो ये ज्यादा बड़े भी नहीं होते। नहीं, ये ज्यादा बड़े भी नहीं होते, प्लस ये मतलब नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन ये दोनों है। अच्छा, ओके। हाँ, इसको आप फिश का जो मीट आता है वो छोटे छोटे करके देंगे तो ये वो भी खा लेगा। ओके। क्योंकि ज्यादातर ये समंदर के पास पाए जाते हैं तो उधर से जो मरी हुई फिश रहती है वो भी खा के ये जी लेते हैं। अच्छा, तो ये टॉर्टाइस दोनों चीज, हाँ, ये दोनों चीज खाता है। टॉर्टाइस में सिर्फ ये एक ही वैरायटी है जो वेज और नॉन वेज, हाँ, दोनों खा लेता है, अदरवाइज सारे वेजिटेरियन है। सारे वेजिटेरियन है और 100% वेजिटेरियन है सारे, जो भी टॉर्टाइस है। तो सिर्फ एक ये टॉर्टाइस है जो साला कुछ भी खा लेता है। गुड, मेरे को इससे पहले नहीं पता था भाई, 2-3 बार देख के गया बट मुझे पता नहीं था कि ये नॉन वेज भी खाता है। हाँ, ये नॉन वेज भी खा लेता है, इसको हम मटन मीट भी डालते हैं। okay. मटन मीट माने जो कीमा आता है वो भी डालते हैं, काफी अच्छे से खाता है। okay. काफी मजे से खाता है। तो ये टॉर्टाइस इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका जो प्राइस है वो 45,000 rupees पीस है। okay. इसका जो प्राइस है 45,000 rupees पीस है। तो आज ये आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, मेरे साथ साथ काफी सब्सक्राइबर्स को पता लगा होगा कि ये टॉर्टाइस नॉन वेज भी खाता है अपना रेड फुट। काफी लोगों को पता नहीं है, इसी वजह से हम लोग, मुझे ही नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। तो इसमें आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल रेड इगुआनास है भाई। आप उससे पहले कुछ बोलो, मैं जब इंट्रो ले रहा था आई वाज लाइक कि मैं धीरे धीरे सारे खिसका लूं अपने रूम में ले जाऊं, इतना प्यारा सेटअप लगाया ये सारा। अगर किसी को चाहिए सेम सेटअप तो सेम सेटअप भी बना के देंगे। अच्छा, तो आप ये सेटअप भी अगर, हाँ, चाहिए पूरा बना के दे सकते हैं। हाँ, 100% बना के देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा सेटअप आपको बना के दें, जिसको भी चाहिए होगा। और ये सेटअप भी हम लोग ऑल ओवर इंडिया भी करके देंगे। ब्यूटीफुल भाई, सो हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका रेड इगुआना है। हाँ जी, ये पूरे बेबीज है, राइट? हाँ, ये पूरे कंप्लीट बेबीज हैं। बेबी माने इतने छोटे, हैचलिंग बेबी नहीं है। हाँ। प्रॉपर फीडिंग ले रहे हैं आप, इसका फीड देख सकते हैं, हम लोग ने फीड रखा हुआ है। तो ये प्रॉपर फीड ले रहे हैं और ये रेड इगुआना जो है 12,000 rupees ईच पीस है। और इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन इगुआनास, ग्रीन जो मोस्ट कॉमन, हाँ, मोस्ट कॉमन और फास्ट मूविंग इगुआनास है जो, वो है ग्रीन इगुआना। हाँ जी, काफी प्यारे। भाई इसमें कुछ कुछ अलग, आई गेस ये शेडिंग कर रहे हैं कुछ, हाँ, पैटर्न्स पे, है, पे, है, पे, है, पे, है, पे है।
और एक और चीज, आई मीन मैं अपने इकवाने के लिए भी पूछना चाह रहा था, जैसे कि वो रेड वाला रखा है तो शेडिंग के टाइम पे ये थोड़ा कम खाना कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं और ये थोड़े फूल जाते हैं ताकि उनकी शेडिंग क्लीन से हो। ओके, तो उसमें कुछ प्रॉपर ये नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है उसमें। और जब शेडिंग हो रही है तो इसको अच्छे से सोकिंग कराएं, मिनिमम 15 मिनट के लिए जो है इसको पानी में डिप करके रखें ताकि इसकी जो शेडिंग है काफी इजी से निकल जाए, क्योंकि आपको पता है जब हमारा भी चमड़ा निकलता है तो थोड़ा पेन होता है, इरिटेशन होती है। हाँ, इरिटेशन होता है, तो इग्वाना उसको हम लोग पानी में अगर सोकिंग देंगे तो काफी इजी निकल जाएगा, वो पेन से बच जाएगा, तो वो एक इजी ये है। तो ये ग्रीन वालों का क्या प्राइस है भाई? ये ग्रीन वालों का है 9,000 rupees ईच पीस भाई। ओके, 9,000। ये काफी ब्यूटीफुल सेल होते हैं हमारे इंडिया में, काफी मतलब क्वांटिटी। ओके, जितनी भी क्वांटिटी लेके आओ बस एक महीना या एक हफ्ता मैक्स टू मैक्स ये अच्छे से सेल होते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं लुटिनो इग्वाना है और स्नो इग्वाना है। लुटिनो इग्वाना का जो प्राइस है वो 35,000 rupees है और स्नो इग्वाना का प्राइस जो है वो 45,000 rupees है। ओके, स्नो इग्वाना भी काफी ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ब्यूटीफुल भाई। ये स्नो इग्वाना है, स्नो इग्वाना अभी मेरे पास काफी कम पीस बचे हुए हैं, और लुटिनो इग्वाना आप देख सकते हैं काफी हेल्दी और काफी येल्लो इस्ट में है, काफी येल्लो, बहुत प्यारा कलर दिख रहा है। और सेटअप अगेन भाई बोलूंगा बहुत प्यारा है, काफी अच्छे से इसमें लगा है। आप इसमें देख सकते हैं खाना पानी प्रॉपर लगाया गया है, और इसमें हम लोग इनको सिर्फ 4 आवर के लिए खाना पानी रखते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े जो आते हैं, फ्लाइंग टिक्स जो आते हैं वो आ जाएंगे, इस वजह से हम लोग इनको सिर्फ 4 घंटे के लिए खाना रखते हैं। आप देख सकते हैं अर्गस मॉनिटर है, कौन सा? अर्गस मॉनिटर। ओके, काफी डेंजर और ब्यूटीफुल। इसको अर्गस मॉनिटर, क्वींस मॉनिटर कहा जाता है, और इसमें 2 मॉनिटर्स हैं जो मेल फीमेल कंफर्म है। okay. आप इसकी फीमेल देख सकते हैं, ये थोड़ा छुपी रुस्तम है, किधर भी छुप के सोते रहती है, वो है नीचे। हाँ, आप इधर देख सकते हैं। अच्छा, तो वो जो छुपी रहती है वो फीमेल है? फीमेल है, और ये मेल है। okay. और काफी हेल्दी कंडीशन में है, प्रॉपर फीड ले रहे हैं भाई। जस्ट फॉर माय नॉलेज एंड सब्सक्राइबर्स नॉलेज, दे आर नॉट वेनमस, राइट? नहीं, वेनमस कुछ नहीं, और ये काटते भी नहीं है। कोमोडो ड्रैगन जो है वो वेनमस रहता है। okay. ये कोमोडो ड्रैगन नहीं है, कोमोडो ड्रैगन तो काफी वेनमस आता है, वो काटने के बाद बचने का चांस ही नहीं है। ये है काफी रेयर और काफी एक्सपेंसिव भी बोल सकते हो आप इसको। ये क्या है भाई? ब्लैक ड्रैगन है, ब्लैक ड्रैगन मॉनिटर भी बोलते हैं इसको। जेट ब्लैक कलर में होता है, एकदम फुल जेट ब्लैक में। और ये जो दोनों मॉनिटर, जैसे अर्गस मॉनिटर और ये दोनों मैं आपको बता रहा था, ये दोनों मॉनिटर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि आराम से ये जो गोट आता है उसको खा लेंगे, आराम से। इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े मॉनिटर्स हैं, उनको आप प्रॉपर पानी देना चाहिए। आप इधर देख सकते हैं मैंने पानी दिया हुआ है, ताकि इनको कभी भी ऐसा लगे कि बॉडी डिहाइड्रेट होती है। इनकी ज्यादा जल्दी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। okay. क्योंकि ये पानी में स्विमिंग बहुत अच्छे से करते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये गीला गीला है, गीला, तो इस वजह से ये क्या करता है, मैं ऐसे रख देता हूँ तो उसके नीचे जब भी इसको हाइडिंग लेना है तो ये इधर नीचे जाके छुप जाता है, अगर पानी सोकिंग लेना है तो इधर आ जाता है। दोनों को मैंने रखा है, आप इधर भी देख सकते हैं, इसको भी मैंने रखा हुआ है। और इनको जब भी मैं फूड देता हूँ तो कैल्शियम के साथ ही देता हूँ, क्योंकि इनको प्रॉपर कैल्शियम मिलना चाहिए। okay. अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से मैं इनको प्रॉपर कैल्शियम देता हूँ। कैल्शियम वगैरह भी मेरे पास अवेलेबल है। और इधर आप देख सकते हैं ब्लू इग्वाना। तो इनका भी प्रॉपर खाना रखा है और सब मस्त आराम से सारे। और इनको जो है मैं मजूरी भी मिक्स करके देता रहता हूँ। इग्वाना को मजूरी प्रॉपर देंगे तो इनका हेल्थ कंडीशन काफी अच्छा होगा। और जो ब्लू इग्वाना है उसका प्राइस है 25,000 rupees ईच पीस। okay. और वर्ल्ड रेयरेस्ट लिजर्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। okay. लिजर्ड है तो भाई, अच्छा वो लिजर्ड के सुन के मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। रेयर स्पीशी है ये, लिजर्ड है लेकिन इसको लेग नहीं है। okay. लेगलेस लिजर्ड है, अगर ग्रो होगी भी तो ब्लैकिस्ट कलर में ग्रो होगी। okay. आप इधर इसकी ब्यूटी देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल ये लिजर्ड है, इसको पैर नहीं है। देखिए इसकी बॉडी इधर तक एंड हो जाती है, और इसकी ये जो है प्लेस, ये पॉटी करने की प्लेस है, तो इधर से बॉडी खत्म हो जाती है, और इधर से जो है ये बाकी टेल है। और इनको मैंने पिंकीज और चिकन मीट पे रखा हुआ है। okay. और इनको भी प्रॉपर कैल्शियम देता हूँ। okay. पिंकीज चिकन मीट भी दे सकते हैं इनको। okay.
मूव ये सांप जैसे ही करते हैं। हाँ मूव ये सेम सांप जैसे ही करते हैं और काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ये सांप है या फिर सही में लिजर्ड है। और इसका भी आप सेटअप देख सकते हैं, मैं इसको चिकन भी डाला हुआ हूँ। ये हाफ एन आवर टू वन आवर में जब भी टाइम मिलेगा खा लेते हैं। इसमें एक जो फीमेल है, फीमेल मॉनिटर है, ये भी थोड़ी छुपी रुस्तम है। ये सेम जो ऊपर था वही है? हाँ वही है वही है। ओके। ये फीमेल है, उसकी फीमेल को मैंने अलग रखा हुआ है ताकि इसका थोड़ा कंडीशन प्रॉपर हो जाए। ओके। क्योंकि प्रॉपर सोकिंग ये बहुत ज्यादा सोकिंग कर रही है। ओके। बहुत ही ज्यादा, तो इसको मैंने, मुझे ऐसे लगा कि इसको कैल्शियम प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैं इसको अलग ही रख के इसको फीड दे रहा हूँ ताकि ये भी प्रॉपर कंडीशन में आ जाए। जैसे मेल जो साइज है वो साइज में नहीं लग रही है तो इस वजह से मैं इसको ऐसे रखा हूँ। और ये स्पैनीटेल मॉनिटर है, स्पैनीटेल काफी रेयर मॉनिटर है और ये मॉनिटर्स में स्मॉलेस्ट मॉनिटर है। ये ज्यादा ग्रो नहीं होती है, ये सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 फुट तक ही होती है। जिसको भी मॉनिटर पालने की अरमान है, जिसके पास स्पेस नहीं है, तो काफी अच्छी लिजर्ड है। और ये 1,20,000 की एक पीस आएगी। और दूसरा जो है मेरे पास, इधर आप देख सकते हैं बड़े साइज में जो है इग्वानास है, इधर आप देख सकते हैं ब्लू इग्वाना है। हाँ जी। ये ऑलमोस्ट 30 इंच के ब्लू इग्वानास है, सारे ब्लू, राइट। ये ब्लू इग्वाना है, इधर आप देख सकते हैं ग्रीन इग्वाना है, ये भी बड़े इग्वानास है, ये भी ऑलमोस्ट 30 इंच तक के आ जाते हैं। ओके। तो इनके क्या प्राइस है भाई? भाई इसका 30,000 रुपीज ईच पीस है, ग्रीन के। हाँ, ग्रीन का 30,000 रुपीज ईच पीस है और ब्लू का है 40,000 रुपीज ईच पीस। ओके। और सेम साइज में मैं आपको बता दूं, ये हो गया आपका रेड इग्वाना, जो काफी लोग इसको पसंद करते हैं बिकॉज ये मीडियम रेंज में आता है। कलर इग्वानास में ये जो है मीडियम रेंज में आता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता और ज्यादा लो बजट में भी नहीं आता, तो इसको ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं खरीदने के लिए। और दूसरा आपको ये बता दूं, बियर्डेड ड्रैगन, ये मेल है। ओके। एक्चुअली इसकी जो फीमेल है ये देहांत हो गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मेरा रैट जो है मिस होके इसकी फीमेल को अटैक कर दिया था। रैट? हाँ, मेरे पास जो स्नेक्स को चूहे रखता हूँ मैं खिलाने के लिए, वो इन्क्लोजर से मिस हो गया। ओके। तो उसको अटैक कर दिया था। तो ये अभी काफी अच्छा मेल है, आप इसका बियर्ड देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल बियर्ड है। ये 55,000 रुपीज का है बियर्डेड ड्रैगन और अच्छा टेम्ड है। और जो ज्यादा सेल होने वाला हमारे पास जो एनिमल है वो है ब्लैक एंड व्हाइट टेगू, काफी अच्छी क्वांटिटी में सेल होता है और काफी अच्छा मेरे पास ब्रीड भी हो जाता है। ये है ब्लैक एंड व्हाइट टेगू। ओके। ये 55,000 रुपीज का है, इसका 45,000 रुपीज का एक और पीस था वो सेल हो गया है, तो ये 55,000 रुपीज का एक पीस है। ये कितने बड़े हो जाते हैं भाई? भाई ये ऑलमोस्ट 5 फीट तक हो जाते हैं और काफी मतलब वेट हो जाते हैं। okay. समझ लीजिए 25 किलो तक वेट जाता है इनका। okay. काफी अच्छे साइज में आ जाते हैं ये। और ऊपर भी टेगू है? हाँ हाँ टेगू है, ये भी काफी अच्छा साइज है, इसको हमने थोड़ा बांधा हुआ है ताकि जब भी हम इधर नहीं है निकले ना, किधर मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये टेगू आप देख सकते हैं, तो अच्छा खासा, ये काफी अच्छा साइज भी है और काफी हेल्थ कंडीशन में भी है। ये ऐसे डराने के लिए कर रहे हैं ना? हाँ ये डराने के लिए करते हैं लेकिन ये खुद डरे हुए हैं। अच्छा। जब ये डरते हैं तो सामने वाले को डराते हैं। ओके। और इसका भी आप साइज देख सकते हैं, काफी हेल्थ कंडीशन में है, काफी अच्छा है। और इसके अंदर जो है ब्लूइश कलर के म्यूटेशन निकला हुआ है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा तब इसको पता चलेगा, इस वजह से मैं इसको अभी तो सेल करने का प्लान नहीं किया हूँ। okay. ताकि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर सकूँ और इसमें जो ब्लड लाइन आएगी वो देख के उस हिसाब से मैं इसको जो है वो रख के घर पे उसको ब्रीड भी कर सकता हूँ। okay. तो उस हिसाब से मैंने अभी इसका सेल का प्लान नहीं किया है, लेकिन अगर कोई आ रहा है इसके लिए तो मैं 85,000 रुपीज में जो है इसको दे दूंगा। okay. और
काफी बाइटर जो स्नेक है वो भी है मेरे पास, खतरनाक अटैक करता है। ओके, तो ये आप इसको देख सकते हैं, मैंग्रोवन स्नेक है। ब्यूटी, तो ये वेनमस है? नहीं वेनमस नहीं है, लेकिन बाइट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दोनों सेम है? हाँ दोनों सेम है, मेल फीमेल है। तो ये है मेरे पास, और क्रोकोडाइल स्किंक है। काफी लोग इसको भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं भाई, क्योंकि छोटी स्पेस में रख लो, काफी ब्यूटीफुल स्पेस आएगी। ये है क्रोकोडाइल स्किंक, और ये ज्यादातर किसी के पास है नहीं, रेयर स्पीशी है। और इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है ताकि ये प्रॉपर हाइडिंग प्लेस भी इसको मिलती रहे, खाने का है टब, और इसको प्रॉपर पानी मिलता है, जब भी इसको हाइड करना होता है तो ये हाइड कर लेता है। मेरे पास जो है अल्बाइनो कार्पेट स्नेक है, काफी प्यारा कलर है भाई, अल्बाइनो कारपेट है, 3 लाख रुपए का एक पीस है। ओके, काफी सस्ता है। और ये है थोड़ा बाइटर है, इससे थोड़ा दूर ही रहिए। अच्छा, ये वो है पाइथन, व्हाइट क्लिप पाइथन। अच्छा, ये वो है क्या जो ऊपर से लाइट मारते हैं? तो हाँ वही है। बट हाँ ये काफी एग्रेसिव भी होते हैं। हाँ ये काफी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा एग्रेसिव है, इसको मुझे टाइम नहीं मिला टेम करने के लिए। अगर किसी को चाहिए तो टेम करके दे दूंगा। इसका जो प्राइस है वो 1,85,000 है। और इधर आप देख सकते हैं माटा माटा टर्टल, जो अल्बाइनो कलर में आया हुआ है। वही मैं पूछने वाला था कि माटा माटा अल्बाइनो नहीं देखा मैंने। हाँ, तो ये अल्बाइनो, ये अल्बाइनो माटा माटा, लेकिन इसको प्रॉपर अल्बाइनो नहीं बोल सकते भाई। ओके, क्योंकि इसके पास जो है डॉट आ गए हैं, तो अल्बाइनो नहीं बोल सकते, लेकिन रेयर टर्टल आप बोल सकते हो इसको। हाँ, और इधर हो गया आपका स्नेक हेड टर्टल, ये तो पता है 45,000 रुपीज का है। ये अफ्रीकन मड टर्टल है, ये 35,000 रुपीज का है। तो ये सब टर्टल की ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएंगे, अगर किसी को चाहिए तो रीजनेबल थोड़ा बहुत कर देंगे, क्योंकि काफी लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि भैया आप रीजनेबल नहीं करते हो, कम नहीं करते हो। तो इस वजह से बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत कम कर देंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। और इधर आप देख सकते हैं मेरे पास स्नेक कलेक्शन जो है काफी ब्यूटीफुल मैंने रखा हुआ है। तो पहले तो मैं आपको पाइड बॉल से दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं आपका पाइड बॉल पाइथन, ये अभी शेडिंग में है, आप इसकी आंख देख सकते हैं, थोड़ा शेडिंग में है ये, बहुत प्यारे लग रहे। तो ये पाइड बॉल पाइथन है, इसका प्राइस है 2 लाख रुपए। और ये अफ्रीकन एग ईटर स्नेक है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं भैया हमारे घर पे हमें लाइव एनिमल खिलाने को नहीं देते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा स्नेक है। ये सिर्फ अंडा खाता है। ओनली एग्स। क्विल एग्स आप इसको खिला दो, क्विल एग खा लेगा। तो ये सिर्फ अंडा खाता है, वो वेनमस नहीं है, राइट? नहीं नहीं, वेनमस नहीं है, ये सिर्फ क्विल का अंडा खाता है। हम लोग भी इसको अंडा ही खिलाते हैं, काफी छोटा अंडा खिलाते हैं। तो ये अंडा खा लेता है। इसका जो प्राइस है ये है 75,000 रुपीज ईच पीस। और ये है रेरे स्नेक, जो अभी तक मैंने कोई भी चैनल पे या फिर अपने चैनल पे भी मैंने बताया नहीं है। इसको बोलते हैं हॉगनोज पाइथन। हाँ, ये हॉगनोज पाइथन है, काफी रेयर है, और इसकी जो म्यूटेशन का नाम है वो कोंडा है। okay. कोंडा मॉर्फ है, ये अनाकोंडा नहीं है, कोंडा मॉर्फ। okay. हाँ, कोंडा मॉर्फ है। okay. ये आगे से काफी मोटा टाइप है, धीरे धीरे वैसा हो जाता है, पीछे पतला सा हो रहा है। हाँ, और ये मरने की नाटक भी बहुत करता है। ओ, अच्छा, वैसा है क्या? हाँ, मरने का नाटक बहुत करता है। और जब इसका भी डेंजर आए तो मरने। हाँ, इसका जो प्राइस है वो 65,000 रुपीज है। okay. इसमें मेल फीमेल है, आप इधर देख सकते हैं दोनों। तो ये फीमेल है, जो अभी पहले मैंने उठाया था वो फीमेल है, जो अभी आप दिखा रहे हैं ये मेल है। तो ये है, और मेरे पास जो है मिल्क स्नेक है, इधर आप देख सकते हैं मिल्क स्नेक, ये भी आई थिंक अभी शेडिंग में है। okay. क्योंकि इसने, हाँ शेडिंग में है, 100% शेडिंग में है। तो जितने रेप्टाइल्स हैं जब ये शेडिंग्स पे आते हैं तो थोड़ा खाना कम कर देते हैं, राइट? हाँ, खाना खाते ही नहीं। अच्छा, okay. थोड़े बहुत जो जैसे टेल रेप्टाइल है, जैसे इग्वानास है, मॉनिटर्स है, वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं,
लेकिन जो स्नेक्स हैं जब शेडिंग पे आते हैं तो खाना बिल्कुल नहीं खाते, हाँ बिल्कुल नहीं खाते। तो ये आपका किंग स्नेक है, ये तो बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है भाई, किंग स्नेक है, 150,000 रुपीज का पीस है। भाई आप जिस तरीके से मुझे ये सब कलेक्शन दिखा रहे हो, पहले मैं लिजर्ड्स तो कुछ रखता नहीं था, मैं इगुआना रखे बैठा हूँ, आप जिस तरीके से कर रहे हो मैं कहीं सांप रखने का ना सोचने लगू। 100% रखिए भाई, हमारा काम है क्रेज बढ़ाने का, आपका काम है एनिमल लेने का। बहुत सेक्सी कलेक्शंस हैं। और ये किंग स्नेक की जो है फीमेल है, ओ ये काफी लेंथ में है, मैं इसको आपको बताऊंगा क्योंकि ये ऐसे रहेगी तो समझ नहीं आएगा, काफी लेंथ है इसकी। ये भी बाइट करती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा। किंग स्नेक वगैरह कभी अटैक नहीं करते, और अटैक कर भी लिए तो वेनम नहीं आता इसे। वाओ, इसका लेंथ देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल है, 2 लाख रुपए की पीस है। ये पूरा अडल्ट है, ये दिस इज द फुल साइज? नहीं नहीं, और थोड़ा बड़ी हो गया, और बड़े होंगे ये, और भी बड़े होंगे, लेकिन ये अभी इस साइज में जो है ब्रीडिंग करना चालू कर देते हैं। इसको फीड कैसे मिलता है उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत प्यारा कलर है, प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल पीस है, मैक्सिकन किंग स्नेक। ये तो प्योर ब्लैक टाइप दिख रहा है। हाँ, मैट ब्लैक। मैक्सिकन किंग स्नेक है। ये एग्रेसिव रहता है? ओ, टेल देखिए इसका। ये टेल क्या डराने के लिए या किसी को? ये खुद डर रहा है। ओ, अच्छा। अभी ये बोल रहा है कि मैं डर रहा हूँ। ओके। कमीने बाजू मत आओ। हाँ। ओके। गाली दे रहा है। तो इसका प्राइस है 1,50,000। ये एक्चुअली इतना प्राइस नहीं रहता है इसका, क्योंकि ये कस्टमर का है तो उसने मुझे सेल के लिए दिया हुआ है। अच्छा। और किसी के पास भी कोई भी एनिमल है तो मुझे भेज सकते हैं, मैं वो सेल करके दे दूंगा, बिकॉज काफी सारे लोग के पास ब्रीड जो होता है वो भी आप मुझे देंगे तो वो भी मैं सेल कर दूंगा। ऐसे ही मुझे थोड़े बहुत कस्टमर जो है मेरे नियर बाई है, थोड़े बाहर के कस्टमर है, वो भी मुझे देते हैं। और ये आप ब्यूटीफुल बॉल पाइथन देख सकते हैं, बॉल पाइथन लूसिस्टिक बेल बोलते हैं इसका नाम, क्योंकि इसका बेल इस वजह से आया हुआ है, इसका आईज जो है वो ब्लू कलर में आया हुआ है, इसका म्यूटेशन जो हेड वैरायटी है इसमें बेल कंडीशन में आया हुआ है। तो इसका प्राइस है 2 लाख रुपए। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा ब्लू टंग स्किंक, आई थिंक ये मैं बताया नहीं हूं, पता नहीं, याद नहीं है, आप ये देख सकते हैं ब्लू टंग स्किंक, छोटा सा ये ब्लू टंग स्किंक है, आप इसकी टंग देख सकते हैं, काफी ब्लू कलर में आती है। तो ये 25,000 रुपीस ईच पीस है। स्किन का एक और सिंगल पीस देख सकते हैं, इधर भी है। तो ये सब चीज भी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाती है। और इधर आप रेप्टाइल्स के जो है वो एक्सेसरीज देख सकते हैं, इनका जो कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, और टॉर्टाइज का फूड है मेरे पास, टॉर्टाइज रेप्टाइल कैल्शियम भी है, और इनके जो फूड बाउल है वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ये काफी इजी नहीं अवेलेबल होते हैं, मैंने इसको बाहर से लेके आया हुआ है। और इनके जो यूवी भी लाइट्स है, यूवी भी होल्डर्स है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। और जो रेप्टाइल बेडिंग आती है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, इधर भी आप देख सकते हो होल्डर्स, होल्डर्स भी अवेलेबल है। और अगर आपके पास बड़े स्नेक्स है, किसी को रैट खिलाने के लिए चुमटा चाहिए तो ये चुमटा भी मेरे पास अवेलेबल है, इसमें रैट को पकड़ के फीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पाइथन या फिर कोई मॉनिटर है तो वो अटैक करने को नहीं आएगा। और ये लीश भी लाए हैं? हाँ, लीश भी लेके आया हूँ। और इगुआनास के लिए काफी जो बड़े रेप्टाइल्स आते हैं जैसे टेगूस हो गए, उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। लीस्ट में मेरे पास 2 वैरायटी के लीस्ट हैं, ताकि छोटे रेप्टाइल है तो छोटे छोटा मिल जाएगा, बड़ा एनिमल है तो बड़ा मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हैं, ये आपका जो यूवीबी लाइट है उसका कलर डिफरेंट बताता है। तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है, ये इंडिया में पहली बार आया हुआ है। और स्नेक कैचर हुक्स भी है। जो स्नेक को हैंडल करने के लिए हुक आते हैं, और छोटे भी मेरे पास हुक है, काफी छोटे पॉकेट हुक है। ये भी आप हैंडल कर सकते हैं, पॉकेट में भी रख के घूम सकते हैं। तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। और जो ट्यूसलर वगैरह आते हैं, उनके फूड वगैरह आते हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। सब चीज रेप्टाइल्स को जो नीडेड रहती है वो भी सब मेरे पास अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं, बॉल पाइथन की हाइडिंग प्लेस है। बॉल पाइथन हो गया, आपका कॉर्न स्नेक हो गया, किंग स्नेक हो गया, जो भी छोटे स्नेक्स आते हैं उनके लिए हाइडिंग प्लेस है। अगर बड़े स्नेक्स हैं तो उनके लिए भी मेरे पास हाइडिंग प्लेस है। तो गाइस, ऑनेस्टली आई मीन एंड भाई, ऑनेस्टली
ये बहुत ही एक आपने जो भी जितने रेप्टाइल्स लवर हैं उनके लिए एक ये ड्रीम लैंड बनाया है। और आप अगर आप बेंगलोर में हो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस बिकॉज एक इतनी सी जगह में ऑल रेप्टाइल्स एंड उनके एनक्लोजर्स इतने प्यारे बनाए हैं एंड आई मीन यू विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हियर। सो भाई अगेन शॉट आउट टू यू, बहुत प्यारा सेटअप बनाया अपनी जो मेहनत लगाई है बहुत बढ़िया लग रहा है और आई होप कि हम ऐसी और रेप्टाइल्स आते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। तो भाई की शॉप की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल, इनके नंबर और पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस नॉट ओनली द रेप्टाइल्स जो कि यहाँ के प्यारे प्यारे एनक्लोजर्स आपने देखे हैं वो भी भाई आपको हेल्प करेंगे बना के देने के लिए। तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट देम एंड इफ़ यू आर इन बैंगलोर विजिट दिस प्लेस। और बाकी जल्दी जल्दी और वीडियोस हम लाते रहेंगे और ऑफकोर्स काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं भाई जिस तरीके से ये लाए हैं। तो अगर ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए एंड हैप्पी दिवाली। बाय। हैप्पी दिवाली।